तो मैं बारिश ने मजा के दा जाए। आए हाय 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 हाँ सर अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो? बाकी इन्होंने कबाब जोड़े ना वो ऑल टाइम फेवरेट होना है। दर्जन का ही होना बेगम साहिबा तक है ध्यान ना। ये मेरी फिक्र है या मैं पार्सल की? पार्सल की। वाओ बाकी आज बिल्लाह मेरे शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लखान करोड़ों दरूद सलाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तुरानी आल पर मौजूद नाज़रीन सुन तकने कश्मीरी बैठक ते मैं तुना मेज़बान साकिब नवाज़ कश्मीरी। उम्मीद करना दे सारे दोस्त अहबाब पणा पर अल्लाह ताला ने फजल करम ते शुक्र नाल ठीक ठाक हो सो हैरोफियत नाल हो सो तो आपने जिहड़ी जिंदगी है वो इस अंदाज नाल गुजारने पे हो सो। माशाल्लाह जनाब दिन अज फिर एक दफा इंतहाई खूबसूरत है क्योंकि बारिश सवेरे सवेरे हुई है थोड़ी बहुत और अजे भी चांसेस थे कि हल्की फुल्की बारिश होसी इंशाल्लाह जरूर बारिश होसी है। मौसम चेक कर सकने बिल्कुल सामने आ और रोडा पर पानी खलता हुआ इधर माड़े बरांडे शरांडे कितना पानी खलता हुआ इस तुम अंदाजा हो गया उसी है कि बारिश जी है ना वो अजे जानी नहीं अजे भी बारिश उसी सी इंशाल्लाह। बाकी मैं बस थोड़ा सवेरे सवेरे जागी आया अज मिलू सवेरे ना जागया लेकिन कम अज कम 10:30 हुई गए अब बारिश ना मौसम तक कि मैं फैसला किया कि थोड़ी देर आराम किया जाए क्योंकि अब पिंडी से नहीं जाना अब लोकल ही हो सकता है इंशाल्लाह। सो इस वजह से लेकिन एक चीज़ मैं जरूर महसूस कर रहा सवेरे सवेरे मैं सौ कि वो भी दसी उड़ा कि जनाब बारिश बेशक होनी है लेकिन इतना मैं खलता हुआ इसलिए तो मैं चेक कर सकते हैं पसीना आया हुआ क्योंकि सावन है सावन में जितनी बारिश होती ना उस तो 5 मिनटों बाद फील ही नहीं होगा कि बारिश हुई है इतना पड़ास हुई जैसी और पड़ास ने जो शुरुआत है कल भी कोई बना सी कि फसलां बढ़िया होंगी फिर सौ तक कल ही किस तरह पैनी है जब तक उन मक्का बाजरे कप्पन नहीं होने ये खुशी देती है। बहर अल्लाह ताला नाल आल भी शुक्र अदा करना जिन अल्लाह ताला जी साल ही रखे अलहमदुल्ला ये भी सारी खुशकिस्मती है कि असं कितने ज्यादा मौसम तकने की मिले बाजा मुल्क या तो शदीद गर्मी होनी है और या फिर शदीद सर्दी होनी है लेकिन असं हर मौसम तकने रहने यानी कि साढ़े रोज की सर्दियों ने कपड़े भी लभी जाए गर्मिया ने भी दरमियाने भी तो बस मिक्स खाता चलना रहना ना। सो असं हर चीज इंजॉय करने रहने नीचे जो और गलत बातें कर पहले रिक्वेस्ट है चैनल चैनल सब्सक्राइब करी ओड़ो अगर फेसबुक यूजर हो तो वीडियो की लाजमी शेयर करी ओड़ो और गलत बातें करेंगे लेकिन उससे पहले वेलकम टू द न्यू व्लॉग। वेलकम हो गया जी सारे कि नवे तो खूबसूरत किस्म ने ब्लॉग ने अंदर उम्मीद करना कि ठीक ठाक हो सो हैरो फियत नाल हो सो तो मजे भी हो सो। बाकी पापा सुना इसलिए सवेरे सवेरे जाके दसी दे पहुंची है जनाब किचन में और चेक कर सकने हो कि चाह बनती हुई है बेहतरीन जे किस्म नी तो चाह नाल उन तक ने क्या कुछ खाने पीने वास्ते बेगम साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। वालेकुम सलाम। ये क्या हो रहा है सुबह सुबह? लंच की तैयारी। मतलब सुबह सुबह लंच की तैयारी हो रही है तो वो ब्रेकफास्ट किधर गया मेरा? चलो बाकी चाह बनती हुई है तो चल नाल कुछ खाने पीने हैं और आज सारे घर कड़ी दाल बन सी इसकी है क्या आखने नाशी मूंगा नहीं मूंग की दाल दली भी मूंगा नहीं दाल वैसे मैं भी कदे है इतनी दाला शाला बनाई नहीं आइडिया मिकी भी कोई नहीं बहरहाल कोई नहीं कोई यूट्यूब पर वीडियो तक कितने कोई तजर्बा सीखा है कि मूंग की दाल कैसे बनाई जाती है। पिणा का भरा फाइनली नाश्ता बने तो आ चुका तो बेगम साहबा एक छुरी मारे सुमी न्यूटेला नहीं खान दी तो ये नहीं अच्छी नहीं लेकिन एक छुरी अगर ले आती आप तो आप नुस्खे फार्मूले पे काम कर रहे हैं यू नो ना। नहीं आप छुरी क्यों नहीं लेके आई? क्योंकि ये आपने खानी नहीं है इसलिए मैंने तो ब्राउन तक की सिर्फ एक छुरी ने डिमांड की थी है बेगम साहब आ गए न्यूटेला खानी ही नहीं चाहिए थी। तो बाकी नाश्ता मौजूद है जनाब इसलिए सोचने उसको कि ऑमलेट जरा स्टार शेप क्या बनता है और नवा फ्राई पैन आता से उसने बनाया अजय तजर्बे हुई ना आस्ते आस्ते परफेक्शन है इंशाल्लाह। नाश्ता करने तो बाहर बदल फिर एक बार गजना आ फिर कोठे पर जुलता बारह नज़ारे चेक करा था इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह तो प्रो जैसे ही नाश्ता करी दस ना मैं उस तो बाद इतनी मौसलाधार बारिश शुरू हुई गई और मैं कपड़े भी एकदम चेंज करी कहते नहा लगा सा तो बेगम साहब आया नवे कपड़े नहीं पुराने जी। सो मैं बारिश ने मजा के दा जाए आए हाय 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 इतने दिनों से बाद परफेक्ट बारिश माशाल्लाह बचपन ही याद ताज़ा हो गया पेड़ों का भरा इस बारिश नहाने नाल और बारिश लगना और तेज़ हो गया है मैं फोन रखी होना या बेगम साहब के लपड़ाई होना इस तू पहले कि यह भी सारा सी चीज है कुतरे पेड़ों का भरा यकीन करो कितने साल बाद आज मैं इस बारिश में नहाता हूँ वैसे तो हर बंदा बचपन ही नहाना होना लेकिन जो बड़े होने टाइम ही नहीं मिलना उसे आने बस कपड़े शपड़े बचा
पर आज मैं कपड़े कुर्बान करी उड़ा रहा हूँ पुराने नवे नहीं नवे कपड़े लाइदा अगर सो बाचे की हो तो फिर करो तुसन भी बेइज्जती हो सकती है लिहाजा पुराने कपड़े तो सर जरे जो करना है पुराने कपड़े ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਰਾ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਆ ਨਾ ਸੁਬਾਰਸ਼ੇ ਆਪੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਇਆ ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੋਦਾ ਸਰਫ ਚਾਹੀ ਕਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜੁਲਿਆਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਧੋਣੇ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਕੀ ਹਾਲੇ ਸਰਫ ਮਾਰਨਾ ਪੈ ਸੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਤਨੀ ਮੌਸਲਾਦਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪੇ ਗੱਡੀ ਧੋਣ ਤਾਂ ਜਾ ਸੀ ਸੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਵੀ ਧੋਈ ਗਿੰਸਾ ਨਾ ਪੈਸੇ ਸਦਰੀ ਬਚਦੇ ਬਜਟ ਸਦਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੁਲਕ ਕੀ ਸਦਰੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੇ ਅਜ਼ੀਮ ਕੋਮਾ ਇਸ ਸਦਰੀ ਬਣੀ ਹਨ ਸੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਸਰਫ ਮਾਰੀ ਗੱਡੀ ਖਲਾਈ ਉੜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਡੀ ਆਪੂ ਧੋਣ ਜਾ ਬਾਕੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਨੰਗੂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਟੁਰਨਾ ਲਗਾ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕੁਦਰੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਈ ਜਾਏ ਸੋ ਇਤਿਆਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਧੋਣਿਆ ਫਟਾਫਟ ਗੱਡੀ ਜਨਾਬ अलहमदुल्ला प्रणत भ्राओ खूबसूरत जी बारिश इंजॉय भी की और बारिश बहुत प्यारी हुई है बाकी पापा सुना हो गया हूँ एक बार फिर तैयार बारिश के बाद एक बार ना आएगी ना कपड़े शपड़े चेंज करेगी ना चलो बंदा बीमार नहीं होना सवाल सब गेट खोली उड़े अस्सलाम वालेकुम सर जी क्या हाल जी ठीक हो बारिश कैसी हुई है उधर पार भी हुई है कोई कोनी कोटली नहीं है वैसे काफी दिनों से हुई सदरी हुई है इधर बारिश होनी है लेकिन कोटली जो ना बारिश नहीं होनी लेकिन हूँ इधर होनी चलो बाकी मैं गड्डी के सर शर मारिया तो बारिश खिलाई उड़ी थी मैं आपे तो जैसी है तो काफी हद तक साफ हुई है बाकी पिंड भ्राओ काफी ज्यादा चीजा हुई तुम एक्सप्लेन कर सा क्या कुछ है एक इसने जग आना नवा एक मसाला पीने का ठीक है बाकी मैं कपड़े तो भी सब की देसा माया शैल वासा खेड़ी काफी अरसे नहीं पी सी ठीक रहा था सुनी भी खेड़ी पी भी वैसे कल शादी है चलो पिंड भ्राओ मैं कल गल करी जा सा कल शादी खादी सी आखिरी से गल करी जा सा क्यों पता नहीं कदों की शादी पर बुला सी तक बुलाए कितने बजे गेट खुला वा तो जुलिया डडियाल छोटे मोटे कम काज इंशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब अल्लाह ताला ने खूबसूरत बाबरकत नाल अपने सफर ना आगाज हो गया तो आज तो ब्लाक सारी माशाल्लाह तौन तान गई है इतनी खूबसूरत हो गई है कि मैं क्या दसा सकी दसने दसने गड्डी जुली सी बुन बार एहतियात बहुत जरूरी होनी है दुआ मंगने नकाश साहब ने रबता करना है और दूसरा मेजर मसला नकाश साहब की भी बात कि जनाब माड़ी गड्डी ने वैपर कदू ने खराब हो अगर इस वक्त पीस या लटकना नजर आ रहा वह तो वैपर है ना आया एक गली गली कुछ जगह गया वा दुआ मंगी कि ना फिर जुलें अगर मिगी कल कुछ बंदे व्हाट्सएप पर पूछा कि अगर तुम तो नकाश साहब बहुत ज्यादा कट्ठे जाने होने सो हूँ कट जाने क्या वजह मैं भी फील किया कि नकाश साहब भी थोड़े बहुत बिजी हो गए और मैं तो एज यूजुअल हमेशा नहीं तरह बिजी बिजी होना सो अज अगर नकाश साहब अच्छे नंबर क्यों लगे स्टैंड और सामने से लगे स्टैंड से नजर आ रहे हो सुनी को मैं पहला सवाल यह पूछा कि क्या वजह गया अस हूँ इतने ज्यादा बख बख क्या हो गए हाँ कुछ नहीं नजर लगी गई असा की बहारो पोल बरसाओ कायद अस्सलाम वालेकुम सर कैसे मजाज ठीक हो सच ठीक है बारिश एंजॉय की है कल इसे बंदे व्हाट्सएप पर एक सवाल पूछे मैं भी एक गल फील की मैं चलो ऑन कैमरा भैन भरा उन्हें सामने पूछी कि ना उन्हें अगर नकाश साहब घरों निकले होने से चाह पीने जाने होने से पहले सामने रबता करना हो नकाश साहब कुछ होने ना सो कायद वेर यू बिजी 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 मिस्त्री लगे बारिश बारिश के आने ना 11 बंदे लगे पहुंचे हम घूमते घूमते चलते हैं डडियाल डडियाल का सिर्फ एक क्विक सा गेड़ा मारना है क्योंकि कायद ने काफी काम काज शुरू करवाए हुए हैं और ये वहाँ सर पे ना खड़े हो तो फिर काम काज होते नहीं है सो इस वजह से पेड़ों से प्रो आई गया अपना प्यारा डडियाल और माशाल्लाह डडियाल भी बारिश अच्छी हुई है माशाल्लाह सबसे पहले जाता कुछ खेड़ियाँ देने आना थे भाई होर के फिर बाजार पढ़ने हैं इंशाल्लाह छोटे मोटे काम काज कर सा मकबूल बट शहीद चौक बाकी खान साहब होने ना बैठे क्यों कह उन्हें दे दी जनाब जुतियाँ
अज मौसम सोना आया तो लगना सारा डड़ियाल होटल आली गली खाना शाना खाने वास्तव आया वा सोई सोचा सोई गया जनाब काफ़ी ज्यादा ट्रैफिक जैम बहर पाई रिवर्स कर फिर अस बढ़ा इस गली इंशाला काफ़ी देर से इंतजार किया बहर ट्रैफिक नहीं खुली से मतबादल रस्ता इस्तेमाल करी कि इतना मस्जिद को बोने जुलने जी जुल्ला का नारकली है ना पहले तो प्रो नारकली च आए और चिकड़ शिकड़ तो है यूजल सारा सौ नज़र ही आई है बाकी तो सिर्फ चेक पता करना ली जाए शायद कुदरू ना कुदरू चौथा चक्कर नार गली अजे तो मशीन जी सही लभी नहीं रही सराने खान करके खाया पिया कुछ नहीं गिलास थोड़ा बारह आने सो सिर्फ मेरी सैनी बेस लभी है जबकि मैं जग भी नवा लौना काफी गंदा हो वो तो मैं अनफॉर्चुनेटली कौन लगा है नई मशीन की नहीं पैसी 14,000 रुपये ने मैं इंस्टेड ऑफ 14,000 रुपया खर्च करने ने मैं इसकी साफ करी गई बाकी निकाय साहब रेडी गड्डी वेट करने पैसे सो कायदा जरा किंदा से वापस करे हैं वो उसने साइज देने क्या बहने तो जुले वापस हूँ जुतियाँ चाहिए जुतियाँ भी जुतियाँ वा ना वो हेल्ला नहीं बंदे हो मेहरबानी पहले तो प्रो चेक करो खेरिया बिल्कुल ब्रांड न्यू हुई हैं इस वो रेंदे हो बस ठीक है सो बड़ी मेहनत की अल्लाह खुश रखे अल्लाह बहुत है थैंक यू सो मच मेहरबानी बाबे थैंक यू सो पहले तो प्रो हाईली रिकमेंडेड जिले भी छो ना बिल्कुल चौके ने जी चकदाई गली उसने भी चुने पाई और इन्होंने कोई खेड़ी फेड़ियाँ सौ आलमोस्ट ब्रांड न्यू कराई सकते हो जिस तरह के मैं कराई हैं थोड़े जे खर्चे हूँ दसा कि अगर बह ना दे तकरीबन गाय साहब सो पछाण से हुए हैं बिल्कुल नवी कर दी ने चार साल पुरानी दर्जन का माशाल्लाह ऑयल थोड़ा जहा गंदा ही होना क्योंकि कबाब जिस तरह फ्राई कर रहे हैं घर भी इवन के रंग चेंज हो ही जाना लेकिन कबाब अच्छे फिर तो प्रो फाइनली आई कि कबाब जूसी कबाब नाल चटनी नान बाकी मैं सिर्फ कबाब ट्राई कर सकता निकाह साहब चलो बाकी खाई उठ सकते आई एम ऑन डाइट सो आई वोंट ईट एनीथिंग एल्स निकाह साहब बिस्मिल्लाह करो गर्म गर्म स्वाद दे सकते पेड़ों का भ्राओ निकाह साहब की फरमाइश पर असा उतना गए पर अलहमदुल्ला पैसा वसूल मैं अच्छा सा ही है रीजनेबल है 70 रुपये का चपली कबाब लभना और 50 रुपये का नान लभना सो अगर एक एवरेज बंदा दो कबाब खाना आया 140 रुपये तो दो नान खाना आया तो 50 रुपये और ऐड करी गए यानी कि 190 रुपये भी तुम पेट भरी तक खाना खाई सकते हो इस महंगाई बच्चे रीजनेबल है और काफ़ी रश भी इस वजह से होना और टेस्ट सुपर ना मसाले ज़्यादा तो ना घट बाकी मैं पैक रहा चलो घर रस्ते थोड़े बहुत ही नहीं चला पलाकड़े तरफ वापस जा रहे हैं जल्दी जल्दी क्योंकि बारिश होने लिए है और कायद देखो मैं वीडियो ने शुरू ही ऑडियंस की बया सी कि निकाह साहब ऐसा तो याद करा सा उन्होंने कि वेबर रबड़ा चेंज कराने तो याद फिर कोई नहीं मैं बाई को नहीं ना ये माड़ी गलती है बहरहाल फिर कुदरे आया रबड़ा भी चेंज करा था इन फिर तो भ्राओ निकाह साहब के लड़ने से बाद फाइनली वापस उन्होंने पूछिए अपने कार और यकीन करो कि बारिशा भी नाता सारे मामला लेकिन माड़े हालत तक यकीनो फिर भी गर्मी महसूस हो रही है और ठीक ठाक किस्म पसीना निकलना पाया इसकी आने सावन असल माने सो कार जल्द थोड़ी रेस्ट करने तो सुबह तक फिर अगला क्या सीन बना है डरियाल जाने का मकसद भी ऐसे कि माड़ा टी सी जो पार्सल आया उसे दराज बुरू चीज़ मंगाई सी तो इसकी अनबॉक्स करने हैं किचन जो अनबॉक्स कर ला किचन की चीज़ है खोल के दस रहे हैं कि कैसा जी ये सरप्राइज है आपके लिए भी ये तो मैं खोलूँगा तो पता चलेगा ना कैसा है और क्या है बेगम साहबा तक है ध्यान ना माशाल्लाह
पैना तो भ्राओ हाली पैकिंग चेक करो एवं आने हैदराबाद चीज़ा दो नंबर होनी को होनी उसी दो नंबर भी मैं आना नहीं होनी लेकिन अच्छी क्यों हाँ तीन ब्लेड पूरे हैं ना लेकिन अच्छी पैकिंग बड़ी अच्छी की है ना क्या कहती हैं और चीज़ें भी सारी पूरी हैं माशाल्लाह उन इसकी फिक्स करना है तो उसने दसना है कि क्या रिजल्ट अच्छा इसना पहले तो भ्राओ फाइनली जुड़ने से बाद कोई इस तरह की लुक आई है इसने बिच दो ब्लेड और भी हैं स्लाइस करने ले तो सही मिंस करने ले ये बाकी है कि इसकी श्रेड करने वास्ते यूज़ होना हूँ इसमें सबसे पहले तो गाजर रखने हैं ना कोई प्लेट भी रखा ना इस प्लेटा बिच टेस्टी चीज़ है अच्छा फोन पकड़ेंगी अच्छा इसी तरह विजय नहीं नहीं फ़ोन पकड़ना पड़ेगा अगलिया सेफ्टी वास्ते ये भी दिता ताकि हाथ ना खराब रहे थोड़ा जोर तो लाने पैसे जाहिर है उन्हें हैंडमेड चीज़ है ना बड़ा लाशी आपका काम आसान हो गया बहुत ज़्यादा है पहले तो ब्रो चेक करो किस तरह परफेक्टली जोड़ा ना उसकी चॉप करी तो सैलड वास्ते रेडी करी उड़े सो हाईली रिकमेंडेड अलहमदुल्ला पेड़ों तो भ्राओ थोड़ी देर रेस्ट करने से बाद गेट को नहीं बंद किया ना गेट बंद करना पैना वरना वाला सफर बेस्ती कर सकता हमेशा आने उन्हें गेट जिले जाने बाहर खुला छोड़ी जाने किस फरी ना याद रहनी तो थोड़ी देर रेस्ट रेस्ट किया नमाज पढ़ी असर नहीं तो हूँ मैं जुला नीचे लेकर था किसी नीचे क्या लातों वा क्या थे मौसम इतना मजे ना बनता वा सही सर्दियों वाली वाइब्स आई रही हैं क्योंकि चार छड़ पिया हो ना और सराउंडिंग बस कै बहाँ फिर मैं हूँ कैसा नज़ारा आया सो मैं कमेंट सैक्शन में दस नज़ारा कैसा आया हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी और सारा कुछ बेशक थोड़े दिन बाद या कल या परसों एक दो दिनों तक ये वापस सारा कुछ बहुत ज़्यादा चुभन लगा पे सी सही काली चली पे सी बहरहाल वक्ती नज़ारा डर बड़ा खूबसूरत है और मेरे फेस पर इसलिए भी है हल्के हल्के बिल्कुल कतरे सू भी थोड़े बारिश ने कतरे जड़े ना वो पी रहे और बारिश इंशाल्लाह थोड़ी देर तक फिर ऐसी है कोई नहीं भाई कि रोला वो जाने ने अभी त्रै कट्ठिया थके ने अल्लाह पूछे नहीं जाने नहीं था पर फिरने वाह बाकी कुकड़ माड़े सारे जो फिरी रहने भी मौसम इंजॉय कर रहे हैं थोड़ा टाइम स्पेंड करने गपशप मारने तो फिर उसके बाद उपर जिस वापस इंशाल्लाह पेड़ों तो भ्राओ बुनू गेड़ा माड़े तो मैं वापस आया अपने घर यानी कि वापस होम आ गया हूँ नवाज हाउस में सो बाकी एक मसाला तैयार किया तो माड़े को जनाब अच्छ डॉक्टर की सरिंज है डॉक्टर ने नहीं लेकिन खाने लिया सो उस जो मैं गीगा मास्टर स्पेशली कहती थी ताकि इसने इंजेक्ट करी ना तो सोस अंदर भरी जाए सोस में तैयार की है मुख्तलिफ चीज़ें भाई तो आप वो करें नहीं बाकी आज इसकी फिल करने हैं स्टीम करने हैं तकना कैसा टेस्ट सिस्टम पेड़ों तो प्रोवाइस ब्लॉग के एंड करने से पहले मैं बड़ी जरूरी सुना गल करना चाहना जिला सदनोती ने तहसील बलोच के अंदर एक नवाई ग्रां ऐसा मौजूद है आलमोस्ट 800 ग्रां पर मुश्तमिल है वो ग्रां और इस जदीद दौर जिसलै साढ़े अड़ोस पड़ोसी और दुनिया सारी तकरीबन चन्नै पर पहुंची गई है उत्थे जी बुनियादी जरूरियात होने सेहत और उस तो इलावा एजुकेशन वगैरह यह तो चलो एक पास रह गई ये नाम है चलो यह भी समझ लगनी है कि हकूमत थोड़ी नहीं पहुंची सकी लेकिन सब सू बड़ा मसला जो उन्होंने दरपेश है वह है जनाब पानी है ना सो यकीन कर सो अजय में वो लोग 6-6 किलोमीटर दूरों खवातीन साड़ियाँ भैन मावं अपने सिरे पर पानी रखी दानियाँ अपने मामला चलानियाँ सो मैं दीगर एन जी ओ तक भी गुजारिश कर सी तक अप्रोच भी मैं कर सर साहब सताह जितने भी लोग उन्होंने रिक्वेस्ट कर स कि प्लीज़ सो मेहरबानी करी तो अगर इस तरफ कोई तवज्जो मबजूल करो वैसे तो मैं हमेशा कोशिश करना होना कि अपनी जेब बिचो जितने तक में पॉसिबल है जो कुछ मैं करी सकता जितने अल्लाह ताला इस्तेआ ते हिम्मत दी हुई है उससे बिचो सारा कुछ करी ना लेकिन यह प्रोजेक्ट चुके थोड़ा जहा बड़ा आया सो अगर कोई बंदा तावन करना चाहना आया तो मैं लाजमी इनबॉक्स करी उड़े मैं इंशाल्लाह स्क्रीन पर सोच नंबर भी दी सो इस नंबर पर भी रब्ता कर सकने हो सो सबसे बड़ा मसला उन्होंने पानी है ना अगर पानी ना उन्होंने मसला आलू जाए तो कोई बोर वगैरह या कुआं वगैरह निकली जाए तो मैं समझना सदका जा रही है और सवाब है मैं भी सब आसा तुस भी सब आसो तो मिली जुली तो इंशाल्लाह प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए बहुत जल्दी मुलाकात नए वीडियो नए ब्लॉग तब तक वास्ते फी अमान अल्लाह।